हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरुगुप्ता फ्रॉम अन एकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 164। ओके, अब चूंकि पार्ट वन यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि बड़ा सेक्शन है, तो आधा चीज जो सेक्शन 164 का डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी ये जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। सो दोस्तों, आप हमारा लेक्चर प्रॉपर तरीके से देख पाए, जिसके लिए जरूरी है आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, ठीक है। मेरे बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये लेक्चर देखने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट। एंड सब्सक्रिप्शन जो है अलग अलग वराइटीज ऑफ प्राइस पे अवेलेबल है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हो। ओके, एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पे और भी बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, दैट इज गुरु सीए, ओके, एंड वहां पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ दोस्तों, अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करना अनअकैडमी का, राइट, तो आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, उसे इंस्टॉल करेंगे। देन इंस्टॉल करने के बाद स्टेप थ्री जो है वो आपको यहाँ पे फ्री कोर्सेज वगैरह आप डेमो देख सकते हो, और अगर आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से पेड क्लासेस के लिए आप यहाँ पे प्लस आइकन पे आप क्लिक कर सकते हो, एंड एज अ रिजल्ट जो भी आपका टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वो आप वहां से देख सकते हो, राइट। यस, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये बेसिक आइडिया जो है ये मैंने आपको अनअकैडमी के बारे में प्रोवाइड कर दिया। नाउ आई कम बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जो आप हम कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो हमारा सेक्शन 164 है। बट बिफोर आई गो थ्रू विद दिस, राइट, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक डायरेक्टर में क्या कवर कर लिया था। तो डायरेक्टर से रिलेटेड हमने जो आपको बताया था, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट, जनरलिटीज पे हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बता दिया था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन सेक्शन 149(1) का थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, जहां पे हमने बताया था कि जो डायरेक्टर है वो इंडिविजुअल ही हो सकता है, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट फॉर्म या LLP जो है वो डायरेक्टर नहीं हो सकते। देन इसके बाद हमने ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर बताया था दोस्तों 166 में, अगर आप याद करो यहाँ पे 166 में जो मैंने डायरेक्टर बताया था, राइट, यहाँ पे ये सारे के सारे ड्यूटीज थे। इसका टिप्स मैंने दे दिया कि आप सिंपल लैंग्वेज में याद कर सको, एंड टिप्स था इसका अ गुड कैप। सो अ गुड कैप क्या हो गया, ए फॉर हो गया आपकी ड्यूटी जो है AOA के हिसाब से रहेगी, जी फॉर क्या था, गुड फेथ था, ओके, यू फॉर अनड्यू गेन नहीं होना चाहिए, ओके, देन इसके बाद डी फॉर क्या था दोस्तों, दैट इज ड्यू केयर था, राइट, आपको सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस के साथ करनी पड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट आपको अवॉइड करना पड़ेगा, सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, देन ए फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑफिस था, एंड पी फॉर पनिशमेंट था, राइट। तो अगर आप अ गुड कैप याद करते हो, ओके, अगर आप ये गुड कैप याद करते, सारी चीजें आपको एज इट इज याद होगी। सेक्शन 166 के नंबर 1, ए फॉर AOA हो गया, जी फॉर कमन गुड फेथ हो गया, यू फॉर अनड्यू गेन नहीं होना चाहिए, डी फॉर क्या था, ड्यू केयर था, सी फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ए फॉर असाइन ऑफिस आप असाइन नहीं कर सकते हो, पी फॉर दोस्तों पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 166 था। तो इसी के साथ हमारा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने बताया था डिन आपके पास होना चाहिए, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपका डिन मैंडेटरी होना चाहिए, जो कि बताया गया था सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 पे, राइट। एंड उसके साथ साथ बताया गया था कि जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है एज अ डायरेक्टर, उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए एज पर सेक्शन 164, राइट। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस की थी, राइट, यस। तो ये वाला पॉइंट आप देखें, जो मैंने बोला था कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 164। तो दोस्तों सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे MCA की साइट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बताया था कि एक्ट होता है एंड रूल्स होता है, ये रहा कंपनी एक्ट 2013 एंड दूसरा रहा कंपनीज रूल 2013, राइट। तो यहाँ पे अगर कंपनीज एक्ट में आप देखते हो तो अराउंड कितने चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अराउंड 29 चैप्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे 29 चैप्टर्स दिए गए। आउट ऑफ दैट अप टू 10 चैप्टर्स यहाँ तक ऑडिट एंड ऑडिटर वाली ये सारी चीजें आपने सीए एंटर में कवर कर लिया था। तो फाइंडर में आपने कुछ कवर करना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 29 तक कवर करना, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो रूल्स दिए गए हैं वो कंपनी रूल्स में दिए गए हैं, ओके। सो कंपनी रूल्स अगर आप ये देखो, यहाँ पे मैंने कंपनी रूल्स क्लिक किया है, तो अप टू
10 तक वही ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाली बात हो गई। एंड चैप्टर नंबर 11 जो है ये देखो आप अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड रूल्स दिए हुए। तो अगर मुझे ये चैप्टर कवर करना है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स तो मुझे रूल्स भी देखना पड़ेगा। तो मैंने रूल पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे रूल 1 से लेके रूल 18 तक जो है राइट रूल 1 से लेके रूल 18 तक ये इसके रूल्स हैं। और इसका अगर आप एक्ट देखोगे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एक्ट दिए हुए जो कि मैंने आपको बताया था 149 से लेके 172 तक के सेक्शंस जो है वो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कवर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आज देखो हम 164 पढ़ने वाले दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। और अगर आप यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन पे आते हो तो ये देखो ये पूरा का पूरा वेयर एक्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है। बट मैं आपको इससे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसे पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है आपको अनकंफर्टेबिलिटी आए क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस जो है वो हर एक शब्द पे नहीं जाएगा। तो मैंने आपके लिए दोस्तों क्या किया हुआ है बहुत बढ़िया चीज किया हुआ है मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए एंड सी दिस कलरफुल नोट्स राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे और अगर आप वेयर एक्ट में देख रहे हो एमसीए के राइट तो दोनों में कंटेंट तो सेम है बट प्रेजेंटेशन अलग है राइट। यहाँ पे अपने को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे कलर्स यूज किए हुए हैं। रेड कलर्स यूज किया है ब्लू कलर यूज किया हुआ है ओके देन इसके बाद पिंक कलर यूज किया हुआ है ग्रीन कलर यूज किया हुआ है। तो ये जो कलर हमने यूज किए इसके पीछे पर्पज है तो ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ सो देट आपको पढ़ने में आसानी रहे। जब भी मैं कोई रेड कलर जब भी जहां पर भी मैं रेड कलर यूज करूँ दोस्तों समझ लेना वो फ्रेज जो है वो निगेटिव टर्म्स बता रहा है आपको। सबसे पहली बात जब भी आपको रेड कलर आए तो वहां पे या तो पनिशमेंट की बात हो रही होगी या तो वहां पे नेगेटिव क्लॉज हो रहा है कि नहीं करना है राइट। तो जैसे ही आप रेड कलर देखोगे आप समझ जाना कि कुछ तो नहीं करने की बात हो रही कुछ तो अदरवाइज करने की बात हो रही है राइट। अगर आपको ब्लू कलर में कोई भी चीज दिखता है तो आप समझ लेना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको ये पिंक कलर दिखता है ठीक है तो वेन पर्सन इज अनसाउंड माइंड तो ये समझ लेना ये सिचुएशंस की बात कर रहा है। जितने भी पिंक कलर की चीजें आपको दिखेंगी ये सिचुएशंस की बात होगी। तो अगर सिचुएशन ये है तो इस तरीके का जब भी आपको सिंबल दिखे ये समझ लेना ये आपके लिए एक्शन है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो पेन पे और चूंकि मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे मैंने शुरू में ही तो चलो ये अभी तो शुरू में है मैं जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी सेक्शन कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। हर एक चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने सारी चीजें दी है कि रेड का मतलब ये है ग्रीन का मतलब ये है ओके पिंक का मतलब ये है ब्लू का मतलब ये है इस सिंबल का मतलब एक्शन है कंडीशंस अगर कंडीशंस आते हैं तो कंडीशंस को मैंने एक अलग सिंबल्स दिया हुआ है सिचुएशंस के लिए अलग सिंबल्स दिया हुआ है। जब भी आप मेरे नोट्स के यूज टू हो जाओगे तो ये सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन एंड सिंबल कॉम्बिनेशन से आपको ये एक्ट पढ़ने में आसानी होगी राइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 164 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉल्ड डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पर अपने को पढ़ना है दोस्तों सेक्शन 164 बोलता है कि ये चीजें अगर होंगी तो डायरेक्टर को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा मतलब उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा कंपनी में राइट यस। तो यहाँ पे अब सिंपल लैंग्वेज में अपन देखते हैं सारे पॉइंट्स जो है तो सेक्शन अगर 164 की मैं बात करता हूं किसकी बात कर रहा हूं मैं सेक्शन 164 की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर सबसेक्शन जो है वो तीन सबसेक्शन है। तो सबसेक्शन 164(1) 164(2) एंड 164(3) राइट। तो अब यहां पे अगर मैं 164(1) को देखूंगा तो यहां पे एज सच अभी कोई भी रूल्स नहीं है नो रूल्स। तो जो अभी मैंने आपको कंपनी रूल बताया था तो इस सेक्शन में कोई भी रूल्स नहीं है बट इस सेक्शन में रूल है दैट इज रूल नंबर 14 ओके। तो सेक्शन 164(2) को हम जो पढ़ेंगे वो किसके हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों रूल नंबर 14 के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो रूल आ रहा है 11th में अगर मैं जा रहा हूँ ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहो सेक्शंस को लेके क्योंकि सेक्शंस अगर याद रहेंगे तो बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। ये देखो यहाँ पे रूल नंबर 14 आ रहा है और यहाँ पे लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 आया बात समझ में। यस तो बिल्कुल ये चार्ट आप जितना जल्दी बनाते जाओगे जितना जल्दी आप इसको मकअप करोगे राइट तो यहाँ का पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे जो है वो बना रहेगा क्लियर यस। तो अब आ जाइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है सेक्शन 164(1) ठीक है। सबसे पहला ये सेक्शन बोलता है अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ओके एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ इफ मतलब क्या हो गया दोस्तों कंडीशन
इफ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंडीशन हो गया, मतलब ये सिंपल बोलते हैं कोई भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर हम अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो क्या है, अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड नॉर्मली यहाँ पे तो डिफाइंड नहीं कंपनी एक्ट में, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तो वहां पे भी अनसाउंड माइंड आता है कि कोई भी पार्टी जो है वो तभी कैपेबल होगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जब वो साउंड माइंड है, राइट। मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रहा है कि साहब दिमाग उसका खराब नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग स्थिर होना चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए सोचने के लिए, तो जिसको हम बोलते हैं साउंड माइंड। तो अगर सपोज मान लो वो बेवड़ा है, दारू पिया हुआ है, राइट, तो उसने अगर ड्रिंक किया हुआ है तो उस समय के लिए वो क्या होगा, अनसाउंड माइंड होगा। अगर वो बेहोशी के आलम में है, राइट, वो आधी नींद में, वो सो रहा है, स्लीपी मोड में है, तो वो अनसाउंड माइंड है उस समय, ठीक है, उसका दिमाग खराब है, पागल है, वो मैड पर्सन है, तो वो क्या है, अनसाउंड माइंड है। ऐसे लोग कभी भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट बोलता है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड and stands so declared by competent court. Very very important. सिर्फ उसका इस केस में दोस्तों unsound mind हो जाना sufficient नहीं है। आप देखो contract act जब आपने foundation में पढ़ा होगा वहाँ पे unsound mind होना ही sufficient था void app initio करने के लिए contract को। But यहाँ पे unsound mind होना sufficient नहीं unless it is declared by competent court. तो अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड है तो सबसे पहले आपको कोर्ट से जाके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अनसाउंड माइंड वाला जो बंदा है वो कभी भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, राइट। तो व्हेन अ पर्सन इज अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, दोनों चीजें है दोस्तों, अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट है, तब तो वो क्या है साहब, डिस्क्वालिफाइड है, राइट। बट मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है साहब कि कोई मिस्टर एक्स है और उसने ड्रिंक किया हुआ है, तो इस टाइम के लिए वो क्या है साहब, अनसाउंड माइंड है। आ रहा है बात समझ? या तो कोई पागल है, अब पागल था वो अनसाउंड माइंड था, हो गया बराबर है, सीए हो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, ठीक है। तो अब सपोज समझना सीए की पढ़ाई की उसने और वो पागल हो गया, तो जिस समय उसको डायरेक्टर बनना था तो वो तो पागल हो गया, और कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये पागल है तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। बट 2 साल बाद इसको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देते 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 2 साल बाद ये नॉर्मल पोजिशन पे आ गया। अब बताओ जो बंदा उस समय पे पागल था, राइट, और बाद में रिकवर हो गया, तो अब रिकवर होने के बाद क्या उसे अपॉइंट किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर? क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे ये बोल रहा है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड मतलब क्या साहब, एक बार अनसाउंड माइंड हो गया तो जिंदगी भर के लिए अनसाउंड माइंड है? नहीं, वो जब तक अनसाउंड माइंड होगा तब तक वो डिस्क्वालीफाई है, बट द मोमेंट afterwards, thereafter, वो कभी भी अगर sound mind होता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, qualified to be a director हो जाएगा, right? तो अगर court बाद में declare कर देती कि now he is all right, कोई दिक्कत नहीं है, तो sound mind declared by court, then director shall be qualified for appointment. Clear or not clear? Yes. तो इस केस में दोस्तों बहुत important है, सिर्फ unsound mind होना sufficient नहीं है, unsound mind डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट का परमिशन बहुत जरूरी है, राइट। कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए कि द पर्सन इज अनसाउंड, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। एक बार वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो अगर बाद में क्वालीफाई हो सकता है, बट साउंड माइंड का भी उसको डिक्लेरेशन लाना पड़ेगा कोर्ट से। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दूसरा आता है दोस्तों पॉइंट, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय इनसॉल्वेंट? इनसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया घोषित। अब बताओ उसके पास 1 रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया, राइट। तो ऐसा बंदा जो है दोस्तों डिस्क्वालीफाई रहेगा। बट सिर्फ यहाँ पे इनसॉल्वेंट वर्ड नहीं, इनसॉल्वेंट के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ, अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट। नाउ अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज मान लो मिस्टर एक्स था, अब मिस्टर एक्स जो था ओके ये डायरेक्टर के लिए अपॉइंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड में, ओके एक्स वाई जेड लिमिटेड में डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा था और ये यहां पे अपॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बाद में ये पता चला कि साहब ये क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है। अब इंसॉल्वेंट मतलब क्यों गया, कि भाई साहब डायरेक्टर्स की कुछ पर्सनल लायबिलिटी भी होती है, राइट, कि अगर वो कुछ
गलत काम करता है तो उसको पेनाल्टी लगेगा, राइट? तो वो पेनाल्टी कम से कम देने के लायक होना चाहिए, उसके पास पेनाल्टी देने के लिए पैसा होना चाहिए, पर भाई साहब उसके पास 1 रुपया नहीं है, मतलब कोर्ट ने उसे क्या कर दिया है, अनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, राइट? तो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसे बंदे को हम कभी भी डायरेक्टर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हेन अ पर्सन इज एडजस्ट दैट इज डिक्लेयर्ड एज एन इनसॉल्वेंट, क्या बोला मैंने, डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, मतलब अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ तो अब यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो गया, तो कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दी कि भाई ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है? तो ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कि भाई ये इंसॉल्वेंट है। नाउ अब ये यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेके, बताओ जरा फटाफट से, क्या इसे एक बार अपॉइंट किया इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। Yes, बिल्कुल, इनसॉल्वेंट हुआ, ये क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कैसा डिस्क्वालीफाइड है, आ रहा है बात? यहाँ पे अब इसे डायरेक्टर एज एन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यहां तक क्लियर है? यस। बट दोस्तों इस मोमेंट पे इसको क्या किया गया, ध्यान से समझना, इसे डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब अब इसके पास कैपेबिलिटी थी, अब इसके पास पैसा था, अब इसके पास संपत्ति थी, एसेट था, मतलब यहां पे डिस्चार्ज फ्रॉम इंसॉल्वेंसी हो गया। डिस्चार्ज फ्रॉम व्हाट, इंसॉल्वेंसी। यहां पे कोर्ट का ऑर्डर आ गया और बोल दिया कि भाई नाउ यस ही हैज व्हाट ऑल एसेट्स, नाउ इसने अपने जितने भी डेट्स वगैरह थे वो सब चुकता कर दिया है, सारी चीजें पे कर दी है, नाउ अब इसके ऊपर किसी की भी लायबिलिटी नहीं है, एंड ही हैज व्हाट सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो इस पीरियड से इस पीरियड तक वो क्या था दोस्तों, इंसॉल्वेंट था, ध्यान से समझना, क्या था वो, इंसॉल्वेंट था, और यहाँ पे क्या था दोस्तों, अनडिस्चार्ज था। अनडिस्चार्ज मतलब उसे सॉल्वेंट घोषित नहीं किया गया था, ही विल रिमेन इंसॉल्वेंट फॉर दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कभी भी क्वालिफाई नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हुआ। बट एक बार इसकी इनसॉल्वेंसी को क्या कर दिया गया दोस्तों, डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जिस मोमेंट पे से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्या अब ये क्वालिफाई हो जाएगा, यस, अब ये यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखना यहाँ पे दोनों चीजें, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों सिर्फ इंसॉल्वेंसी होना सफिशिएंट नहीं है, क्या है साहब, जब तक वो इंसॉल्वेंट रहेगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, जब तक वो इंसॉल्वेंट रहेगा तब तक वो डिस्क्वालीफाई होगा, बट द मोमेंट उसकी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस मोमेंट से ही क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वालिफाइड हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट इज ऑलवेज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, राइट? बट अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट जो है वो हमेशा डिस्क्वालिफाइड रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो अनडिस्चार्ज्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दोस्तों हमारे पास अब सी वाला पॉइंट आता है, और सी वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है, a person shall not be eligible for appointment as a director of a company if, come on, क्या बोल रहा है, he has applied to be adjudicated as an insolvent. Now again यहाँ पे आ रहा है कुछ तो insolvent, मतलब and his application is pending. तो now देखो B में भी insolvent की बात कर रहा था, C में भी insolvent की बात कर रहा, but यहाँ पे बात कर रहा adjudicated as an insolvent, यहाँ पे बात कर रहा था undischarged insolvent. तो अब इस दो concept को हम एक डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सपोज मान लो मिस्टर एक्स है, नाउ मिस्टर एक्स जो है वो डायरेक्टर है कंपनी में, ठीक है? नो कंपनी में वो डायरेक्टर था तो डेफिनेटली इसकी ड्यूटी भी रही होगी, बिल्कुल ड्यूटी रही होगी, एंड जब इसने ड्यूटी अपना परफॉर्म कर रहा था तो इसने कुछ फ्रॉड किए, एंड जैसे उसने फ्रॉड किया तो यहां पर पेनाल्टी आ गई। अब ये पेनाल्टी से बचना चाहता था, नो पेनाल्टी से बचने के लिए इसने क्या बोला ये बोला साहब मैं एक काम करता हूं, मैं कोर्ट को जो है एप्लीकेशन दे देता हूं फॉर डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी, राइट? उसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया कि भाई सर, कोर्ट को उसने अपील कर दिया कि भाई सर मैं जो है इंसॉल्वेंट हूं, आप अपना जो है मुझे क्या दे दो, डिक्लेरेशन दे दो, आप मुझे क्या दे दो, मेरा डिक्लेरेशन दे दो। क्योंकि डिक्लेरेशन अगर दे देगा तो ये बी वाला पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया कि ये बी पॉइंट कवर हो जाएगा, तो सेक्शन 164(1) का बी पॉइंट आ जाएगा, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, राइट? अब ये डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट था कोर्ट के पास,
राइट। अब जो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट था तो बी ने बोल दिया कि भाई ये क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। तो जैसे ही वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एज एन इंसॉल्वेंट, तो अगर वो इंसॉल्वेंट भी उसका इंसॉल्वेंसी प्रूफ हो गया तो उसको पेनल्टी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने बोला कोई बात नहीं, अभी तो मैं डिक्लेयर नहीं हूं, तो मैं एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन दे देता हूँ कोर्ट को कि सर मैं इंसॉल्वेंट हूं और मेरी इस एप्लीकेशन को जब हियरिंग होगी तो वहां पे कोर्ट का डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ गिविंग एप्लीकेशन इटसेल्फ आई कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऐसा मिस्टर एक्स ने सोच के अपील फाइल कर। Now, इस अपील का क्या होगा, इस एप्लीकेशन का क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो एप्लीकेशन आया है दोस्तों, राइट, ये जो एप्लीकेशन आया है, ये एप्लीकेशन के तीन सिचुएशन यहां पर बनेंगे। नंबर वन, एप्लीकेशन कोर्ट हो सकता है पेंडिंग रख दे, एप्लीकेशन कोर्ट हो सकता है रिजेक्ट कर दे, और एप्लीकेशन हो सकता है एक्सेप्ट कर दे। अब एक्सेप्ट होगा तो ही डिक्लेरेशन मिलेगा, एक्सेप्ट होगा तो ही डिक्लेरेशन मिलेगा, बट अगर रिजेक्ट हो गया तो एज इट इज ये जो एप्लीकेशन है मिस्टर एक्स के पास चला जाएगा, मतलब अमान्य हो जाएगा, एप्लीकेशन की कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। आ रहा है बात समझ में? तो अब सोचो ये जो केस बोल रहा है, सी वाला पॉइंट, ये क्या बोल रहा है कि जो मिस्टर एक्स था उसने अप्लाई किया कोर्ट को कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हूं, आप ये मेरा एप्लीकेशन जो है आप एक्सेप्ट कर लो, बट उसने कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने पेंडिंग रख दिया। क्या रख दिया? पेंडिंग रख दिया। तो सेक्शन 164(1)(c) बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर, राइट, अगर डायरेक्टर है और वो बोलता है भाई साहब मुझे डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, डिस्क्वालिफिकेशन चाहिए, या मिस्टर एक्स एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है बट उसने जो है इनसॉल्वेंसी कर लिए, एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया कोर्ट को, राइट, तो द मोमेंट वो अप्लाई करेगा कोर्ट को, द मोमेंट वो अप्लाई करेगा कोर्ट को और उसकी एप्लीकेशन को साइड में रख दिया जाएगा कि बाद में डिस्कस करेंगे, इतना भी अगर होता है, आ रहा है बात समझ में, तो उसे मैं डिसक्वालिफिकेशन मान लूंगा, उसे मैं क्या करूंगा, डिसक्वालिफाई मान लूंगा। बात समझ में? यस। तो मिस्टर एक्स ने अगर कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हूं और उसकी वो एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग रखी रहेगी वहां पे कोर्ट में, आ रहा है बात समझ, पेंडिंग रखी रहेगी, तो इस डायरेक्टर को क्या मान लिया जाएगा, डिसक्वालिफाई मान लिया जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट अगर कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट, राइट, ये एप्लीकेशन आया था, कोर्ट ने बोला मैं सब पेंडिंग मेंडिंग में रखूंगा भाई साहब, आप ये अपना एप्लीकेशन जो है वो ले जाओ, तो जैसे ही उसने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एज इफ सच एप्लीकेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू व्हाट, कोर्ट, तो ये एप्लीकेशन एज इफ इट हैज नेवर कम टू द कोर्ट, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, द मोमेंट कोर्ट हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, तो वो पर्सन जो पहले क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर था वो अभी भी क्या रहेगा साहब, क्वालिफाई रहेगा, राइट। बट अगर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को क्या किया साहब, एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चलो अब इसकी हियरिंग समझते कि भाई ये एक्चुअल में इंसॉल्वेंट है या नहीं है, और अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने हियरिंग सुना, तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो डिक्लेरेशन देगा या तो डिक्लेरेशन नहीं देगा। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है, ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, आगे ऐसे समझ लेते चलो वो डिक्लेरेशन दे दिया, अगर वो डिक्लेरेशन दे दिया तो अब आप क्या हो गया दोस्तों, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गया। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट पहले से ही क्या था दोस्तों, पहले से क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन था, राइट, डिस्क डायरेक्टर के लिए क्या था वो, डिस्क्वालिफिकेशन था। बट अगर ये डिक्लेरेशन नहीं आया, एक्सेप्ट करने के बाद भी, हियरिंग करने के बाद भी डिक्लेरेशन कोर्ट ने नहीं दिया कि इंसॉल्वेंट है, तो इसे हम क्या मानेंगे दोस्तों, कमऑन, अनडिक्लेयर्ड, क्या बोलेंगे, अनडिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बोलेंगे, मतलब एज इफ ही इज नॉट इंसॉल्वेंट, इज व्हाट, इज नॉट व्हाट, इंसॉल्वेंट। आ रहा है बात समझ में? यस। तो इस केस में ध्यान से समझना, थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है ये, अगर इसने एप्लीकेशन दिया और रिजेक्ट कर दिया तो क्वालिफाई हो जाएगा, पेंडिंग रख दिया तो डिस्क्वालिफाई, मतलब इसका एप्लीकेशन अप्लाई करना ही सफिशियंट है इसको डिस्क्वालिफाई करने के लिए।
राइट। तीसरा बोलता है, अगर कोर्ट ने इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया ना, ध्यान से समझना, एक्सेप्ट कर लिया और डिक्लेरेशन अगर डिक्लेयर नहीं किया कि ये इंसॉल्वेंट है, ध्यान से समझना, डिक्लेयर नहीं किया कि ये इंसॉल्वेंट है, तो इस केस में भी इसको क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। किसके बेसिस पे, कि इसके अगेंस्ट पे क्या आया है दोस्तों, अपील आया हुआ है। आया बात समझ में, यस और नो? यस। तो अगर उसकी कहानी पेंडिंग रहेगी तो हमेशा डिस्क्वालीफाई। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि अगर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन आ गई है कोर्ट को, भले ही कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया हो, राइट, अगर एप्लीकेशन आ गया और इंसॉल्वेंसी का आ गया और कोर्ट ने ध्यान से समझना उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया है, क्या बोला मैंने, रिजेक्ट नहीं किया है, या पेंडिंग रख लिया या एक्सेप्ट कर लिया, पेंडिंग रख लिया हो या एक्सेप्ट कर लिया हो, वो हमेशा डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाएगा। आ गया बात समझ में? यस। तो यहां पे अगर आप देख लो, व्हेन अ पर्सन इज अप्लाई टू कोर्ट दैट ही इज इंसॉल्वेंट, उसने अप्लाई कर दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, बट कोर्ट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उसको, मतलब उसने किस में रखा हुआ है, पेंडिंग में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है, पेंडिंग में रखा हुआ है, तो डिस्क्वालिफाइड रहेगा। ओके। व्हेन अ पर्सन इज अप्लाई टू कोर्ट दैट इज इंसॉल्वेंट एंड कोर्ट हैज आल्सो रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, एज इफ एप्लीकेशन हैज नेवर केम टू द कोर्ट, तो ये हमेशा पहले भी क्वालिफाइड था, अभी भी क्वालिफाइड रहेगा। बट अगर पर्सन ने अप्लाई कर दिया कोर्ट में दैट इज इंसॉल्वेंट एंड कोर्ट हैज एक्सेप्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन पर्पस, राइट, कि अब चलो इसकी हियरिंग करते हैं, तो उस टाइम ऑफ पीरियड में भी जिस समय हियरिंग चल रही है उसे डिस्क्वालिफाई ही माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, पक्की बात है? यस। 100% श्योर हूं? यस। क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? यस। तो इस केस में दोस्तों दोनों में डिफरेंस आ गया, क्या, सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि इंसॉल्वेंट है, तो कोर्ट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट है भाई साहब, कहानी ओवर, डिस्क्वालिफाइड है। जैसे ही उसने उस डिक्लेरेशन से उसे डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है भाई अब तुम्हारी इंसॉल्वेंसी खत्म हो, तो फर्स्ट यू डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड देयर आफ्टर यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम दैट डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, नाउ आप देयर आफ्टर क्वालिफाई हो सकते हो, राइट। सी वाला पॉइंट क्या बोलता है कि कोर्ट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया बट एप्लीकेशन चली गई है इसके इंसॉल्वेंसी की, तो द मोमेंट एप्लीकेशन हैज ड्राफ्टेड, एप्लीकेशन हैज सेंड टू व्हाट कोर्ट, दैट पर्सन हैज टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आगे बात समझ में? यस। अब चाहे वह एप्लीकेशन पेंडिंग हो या एक्सेप्ट हो जाए, डजंट मैटर, वो उस टाइम के लिए क्या रहेगा दोस्तों, डिस्क्वालीफाई रहेगा। याद रखना, अपील का टाइम भी डिस्क्वालिफिकेशन क्रिएट करता है, राइट। बट अगर वो एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, यस, क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो उस टाइम पे फिर जिस मोमेंट पे वो रिजेक्ट होगा उस टाइम पे ये क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर हो जाएगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यस। पक्की बात है? श्योर। सी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। तो बी पॉइंट क्या बोलता है, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एंड सी पॉइंट क्या बोलता है, अनडिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट भी, सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं, अनडिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट भी डिस्क्वालिफिकेशन के कवर हो जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, डी पॉइंट है, ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैड नॉट इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। क्या मतलब बोल रहा है? नाउ आप समझना, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। अब सपोज मान लो ये मिस्टर ए था, ओके, नाउ मिस्टर ए ने क्या किया था, से सपोज मान लो मिस्टर ए ने फ्रॉड किया था, ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया था, फ्रॉड किया था, से सपोज मान लो लॉयर था वो, और लॉयर था चूंकि नॉट डायरेक्टर, ठीक है, फ्रॉड किया हुआ था एंड ये केस जो था ये कोर्ट में गया हुआ था, ओके, उस लॉयर के अगेंस्ट में केस चल रहा था जहां पे कोर्ट ने क्या किया था, पनिशमेंट दिया हुआ था, ठीक है, कोर्ट ने क्या दिया हुआ था, पनिशमेंट दिया हुआ था। तो ऐसा जो डायरेक्टर है, अब ये मिस्टर ए जो है ये वांट टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर, तो ये अपॉइंट एज अ डायरेक्टर, मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एक्स वाई जेड लिमिटेड,
राइट right? तो अब मिस्टर ए जो है डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर एक्सवाइजेड में लिमिटेड में अपॉइंट होना चाहता है। जब इसकी कुंडली खोल के देखी गई तो बोले यार तुमने तो फ्रॉड किया था और कोर्ट ने तुम्हें पनिशमेंट दिया हुआ है। कोर्ट ने क्या दिया हुआ है? पनिशमेंट दिया हुआ है। तो क्या ऐसा पर्सन जो एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होना चाहता है, क्या ये क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा या डिसक्वालिफाइड डायरेक्टर होगा? ये जो है हमारा पॉइंट होता है डी नंबर। तो यहाँ पे आप देखो मैंने बहुत सारे सिचुएशन यहाँ पे कवर किया है, ऑलमोस्ट 5 सिचुएशन। व्हेन अ पर्सन कमिटेड ऑफेंस इंटेंशनली, मतलब उसने जानबूझ के फ्रॉड किया, या अनइंटेंशनली कोई एरर हो गया, मिस्टेक हो गया गलती से, ठीक है, बट नॉट कन्विक्टेड बाय, क्या बोल रहे हैं, नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा, ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस। ध्यान समझना, गुनाह करना यहाँ पे गुनाह नहीं है दोस्तों। क्या बोला मैंने? गुनाह करना, मोरल टर्पिट्यूड मतलब इंटेंशनली, और अदरवाइज मतलब अनइंटेंशनली। तो इसका मतलब हो गया इंटेंशनली और इसका मतलब हो गया अनइंटेंशनली, राइट? यस। तो ये बोलता है गुनाह करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गुनाह इज नॉट सफिशिएंट, बट गुनाह करके पकड़े जाना, क्या बोल रहा है, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, राइट? ऑफेंस के ना कोई बात नहीं, जुर्म करना कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े जाना दिक्कत है दोस्तों। तो ये बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन में गुनाह करना इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जानबूझ के करो, ये गलती से हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पकड़े मत जाओ। बोल अगर आप पकड़े गए, अगर आप पकड़े गए तो बताओ जरा फटाफट से, क्या आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे? यस, नो, आप डिस्क्वालिफाइड तब भी नहीं होगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे बोल रहा है कन्विक्शन के बाद जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिनिमम जो है 6 मंथ्स का होना चाहिए। क्या बोल रही है? मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। अभी कितना ध्यान रखो, मिनिमम 6 मंथ्स का, मतलब ऑफेंस सफिशियंट नहीं है, उसके साथ कन्विक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट अपने आप में कन्विक्शन भी सफिशिएंट नहीं है, अनलेस देयर इज व्हाट, इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट भी सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। ये बोलता है मिनिमम जो है कितना होना चाहिए, 6 मंथ्स का होना चाहिए। चार कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर 1 ऑफेंस हो, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली कोई दिक्कत नहीं, कन्विक्शन होना चाहिए, इंप्रिजनमेंट होना चाहिए, और इंप्रिजनमेंट मिनिमम जो है 6 मंथ्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, व्हेन अ पर्सन कमिटेड ऑफेंस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बट नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट, अब कन्विक्ट पकड़ा ही नहीं गया भाई साहब, क्वालिफाइड है, समझ में आ गया? यस। सेकंड पॉइंट क्या होता है, व्हेन अ पर्सन कमिटेड ऑफेंस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली प्लस दूसरी कंडीशन आ गई, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट ने अब इसको पकड़ भी लिया, पकड़ने के बाद इसको जो इम्प्रिजन किया उसे 5 महीने के लिए किया, बोलो जरा पटाफट से डिस्क्वालिफाई होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए। तो अभी भी क्या है साहब, क्वालिफाइड डायरेक्टर, मतलब इतना गुना भी इसका चलेगा साहब, डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। 5 महीने का गुना आप कर सकते हो, राइट, आप पकड़े भी जा सकते हो, जेल भी जा सकते हो 5 महीने का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं साहब, आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते। मजा कब आया जब इसने बोला व्हेन अ पर्सन कमिटेड ऑफेंस इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ओके, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ओके, सेंटेंस फॉर इंप्रिजनमेंट हैज बीन गिवन ऑन 5th जून 2018 को, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट दिया गया, मतलब इसको जेल की सजा दी गई 5 जून 2018 को, नेक्स्ट 6.5 मंथ्स के लिए, कितने मंथ के लिए दिया गया, 6.5 मंथ्स, मतलब बोलो जरा फटाफट से, नॉट लेस देन 6 मंथ्स था, यस, मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, 6.5 मंथ्स है, बोलो जरा फटाफट से, इस केस में क्या ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, यस, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। बट यहां पे बोलता है सब, ध्यान से समझना, फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स एंड अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स हैज नॉट इलैप्स्ड From the date of expiry of sentence. Now, अब इसका मतलब क्या है? पर ध्यान से समझना, इसको समझाने की कोशिश करो। अगर सबसे पहली बात ये आती है कि अगर ये 6.5 महीने के लिए जेल में जाता है, ऑफेंस करता है, पकड़ा जाता है, सजा होती है, कितना, 6.5 महीने की, मतलब 6 महीने से ज्यादा, मिनिमम 6 मंथ भी रहा तो वो जेल में जाएगा, राइट? अब बात ये आती है कि जेल में गया तो कितने साल के लिए वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने क्या बोला, कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा है फॉर अ पीरियड एंड अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स हैज नॉट इलैप्स्ड, मतलब 5 साल तक, 5 साल इलैप्स्ड नहीं होना चाहिए, मतलब
5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence. मैं एक बार इसको फिर से पूरा पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है? A person shall not be eligible for appointment as a director. Appoint नहीं हो सकता if क्या बोलता है? He has been convicted. Okay, अगर वो convict हो रहा है, okay, intentionally, unintentionally कोई offence कर रहा है, convict हो रहा है, imprisonment दिया जा रहा है minimum 6 महीने का, मतलब मेरे केस में कितना है दोस्तों? 6.5 महीना, right? And a period of 5 years has not elapsed. 5 साल अभी तक इलैप्स नहीं हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई है. मतलब क्या हुआ? आज 5 जून 2018 है, राइट? फिर यहां पे ये कंप्लीट होगा इसका 6.5 महीना. 6.5 महीने जेल में रहेगा, बराबर है? अगर ये 6.5 महीने जेल में है, ध्यान से समझना, तो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या आएगी? डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी दोस्तों? बोलो जरा फट से. 6.5 महीने की डेट क्या होगी? मतलब 5 जून 2018, राइट? यही बोल रहे ना? यस, 5 जून 2018. तो 5 years has not elapsed from the date of expiry of sentence. तो date of expiry of sentence क्या था दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से. Date of expiry of sentence मुझे निकालना पड़ेगा. तो आज की डेट क्या थी जिस दिन ऑर्डर आया? That is 5 जून 2018 को 6.5 महीने के लिए. तो 6.5 महीने बाद की जो डेट होगी वो क्या होगी? डेट ऑफ एक्सपायरी. तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है. डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस क्या? फ्रॉम 5th June 2018 till 6.5 months is equal to what? 19th December 2018. तो आप जोड़ के देख लो, 5th June से 6 महीना कितना हो गया? From the date of expiry है ना? Yes. तो जिस दिन से हुआ 6.5 महीने. तो date of expiry अपने को निकालना है. तो date of expiry क्या हो जाएगा दोस्तों? तो June से अपन अगर पकड़ते, right? 5th June से अगर हम पकड़ रहे, तो 6.5 महीना कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से. 6.5 महीना कितना हो जाएगा? That is 6.5 महीना कितना हो जाएगा? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो 4th December 2018 ये 6 months है. And 0.5 months मतलब क्या हो गया? 15 दिन. और 30 महीने का अपन दिन पकड़ लेते हैं, 30 दिन का महीना पकड़ लेते हैं, तो आधा महीना कितना हो जाएगा? 15 दिन का. तो टोटल कितना हो गया? 4th June 2018 प्लस उसमें 15 डेज ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 19th December 2018 आ जाएगा. सो दिस 19th December 2018 इज द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस. मतलब उस दिन उसकी 6.5 महीने की सजा खत्म होगी. क्लियर? तो इस दिन से क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट इलैप्स्ड. मतलब अप टू 5 years, मतलब यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, अप टू 5 years, आ रहा है बात समझ में? यस. तो ये जो 5 years है ये elapsed नहीं होना चाहिए. तो इस टाइम तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ये अरे बात समझ. तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक का जो पीरियड है ये क्या है दोस्तों? डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है. मतलब आप इस केस में डिस्क्वालिफाई कितना हो रहे हो? सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर. बट कौन सा नेक्स्ट 5 ईयर? फ्रॉम 5th June 2018, मतलब जिस दिन इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस आया हो, या जिस दिन आपका इम्प्रिजनमेंट खत्म हो रहा हो. जिस दिन आपका इम्प्रिजनमेंट खत्म हो रहा है, नॉट 5th June 2018 बट 19th December 2018, और वहां से 5 साल तक आप क्या हो दोस्तों? डिस्क्वालिफाइड हो. मतलब 5 साल कितना आ जाएगा? दैट इज 19th December 2018 से 5 साल आप पकड़ो तो दैट इज 2018-19. तो 19 एक साल हो गया, 20, 21, 22, 23, right? तो 2023. एंड ये डेट से कब खत्म होगा? एक दिन पहले, दैट इज 18th December 2023 तक डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाई रहेगा. समझ में आया या नहीं आया? यस. तो यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है बहुत सिंपल लैंग्वेज में है कि भाई इस दिन आपको सजा हुई, सजा की डेट ऑफ एक्सपायरी आगे निकालो सबसे पहले, किस दिन आपकी सजा खत्म हो रही. तो जिस दिन आपकी सजा खत्म हो रही दैट इज 19th December 2018, और यहां से 5 साल ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रहेगा. यही बोलते हैं, तो डिस्क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, नॉट फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, बट फ्रॉम द डेट when the imprisonment is gets expired. So from the date of expiry of sentence, or date of sentence नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? Date of expiry of sentence. तो ये date of sentence है दोस्तों. This is what called as date of sentence, and this is what called as date of expiry of sentence. And date of expiry of sentence है
5 साल इलेप्स नहीं होने चाहिए, आ रहा है बात समझ? तो वही पीरियड जो है वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन का, मतलब एक बार 18th December 2023 खत्म हो, मतलब 19th December 2023 onwards वो अगेन जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. तो व्हेन अ पर्सन कमिटेड ऑफेंस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ओके, सेंटेंस फॉर इंप्रिजनमेंट फॉर 6.5 मंथ्स, ओके, एंड 5 इयर्स इज इलैप्स्ड. अब 5 साल भी वो इलैप्स्ड हो चुके फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 5th जून या 19th जून, जल्दी बोलो फटाफट से. 5th जून वाला नहीं आएगा दोस्तों, 19th जून वाला आएगा. आगे बात सॉरी 19th दिसंबर वाला आएगा, और 19th दिसंबर से अगर आप 5 साल कम्युनिकेट करोगे तो क्वालिफाइड है, बट अगर आप यहां से 5 साल कम्युनिकेट करोगे तो ही विल रिमेन डिसक्वालिफाइड. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर. तो यहां से लेके 5 साल कब खत्म होगा? 4th जून 2023 को he will remain disqualified. आ रहा बात समझ? और अगर 19th दिसंबर आप consider करोगे, तो yes, 19th दिसंबर से right 5 साल खत्म होगा, तो 18th दिसंबर 2023 को, 18th दिसंबर 2023 को ये जो होगा अगेन क्वालिफाई हो जाएगा. मतलब अगर सेंटेंस उसको दिया गया दोस्तों कब? 5th जून 2018 को, 6.5 महीने का इंप्रिजनमेंट है, आ रहा बात समझ में? तो क्वालिफाई कब होगा? अगेन एज अगेन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, दैट इज 18th दिसंबर 2023. आई होप आई एम क्लियर. यस. तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हो. बस आपको दो कैलकुलेशन निकालना है. नंबर 1, पहले निकाल लेना डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस निकाल लेना, राइट, एंड देन डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू कहां तक रहेगा, बस वो देख लेना है आपको. तो 5 साल उसमें ऐड कर देना, तो जो भी डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस जो भी आएगा उसमें 5 साल ऐड कर दोगे, तो वो जो पीरियड होगा वो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड होगा, और उसके नेक्स्ट डे वाला पीरियड अगेन उसको क्वालिफाई बना देता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर. यस. अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट है, provided that क्या होता है, if a person has been convicted of any offence, अब यहाँ पे भी देखो convicted आ रहा है, कोई भी offence है, ठीक है, and sentenced in respect thereof, मतलब imprisonment भी हुआ है, but कब के लिए दोस्तों? minimum 7 years. कितना बोल रहा हूँ मैं? minimum 7 साल. मतलब यहाँ पे ये ऐसे कांड कर रहा है जो इंडियन पेनल कोड में rigorous imprisonment माना जाता है, या उसने सपोज किसी का रेप कर दिया हो, राइट, या मर्डर कर दिया हो, तो जहां पे आपको मिनिमम 7 साल की कैद में आपको मुशक्कत की सजा मिलती है, मतलब आपने दोस्तों एकदम दरिंदगी वाला काम किया है, और जहां पे दरिंदगी का काम है, तो फिर अगर एक बार आपने दरिंदगी कर दी है किसी भी तरीके से, तो फिर आप इंडिया के किसी भी कंपनी में लाइफ टाइम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते. वही लिखा है, he shall not be eligible to be appointed as a director in any of the company lifetime. Shall not be eligible. हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं. टाइम वगैरह नहीं दिया, जैसे हम 5 साल दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है दोस्तों. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा इन एनी ऑफ द कंपनी. दुनिया ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी कंपनी में जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, दुनिया की किसी भी कंपनी में फिर वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर. यस. तो ये हमारा डी पॉइंट जो था ये क्लियर हो गया. ओके, नाउ इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास ई पॉइंट. नाउ ई पॉइंट क्या बोलता है? यस, एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय कोर्ट. तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया आप डिस्क्वालीफाइड, मतलब कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो इस केस में फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हो. आई होप आई एम क्लियर. बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्डर इज इन फोर्स होना चाहिए, मतलब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, राइट, कोर्ट का ऑर्डर आ गया मिस्टर एक्स के अगेंस्ट, भाई आप अब जो है डिस्क्वालीफाई माने जाते हो, अब आपको एज अ डायरेक्टर हम अपॉइंट नहीं कर सकते. तो अभी इसने बोल दिया, सपोज ऑर्डर में लिखा हुआ था फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स. कितना लिखा हुआ था? फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स यू आर नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए. तो ये जब तक ऑर्डर इन फोर्स है तब तक वो डिस्क्वालीफाइड है. जैसे 3 इयर्स एक्सपायर्ड होगा, खत्म होगा, वो अगेन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वालिफाइड हो जाएगा. तो इस पीरियड तक वो क्या है? डिस्क्वालिफाई है. ओके, और जैसे ये पीरियड एक्सपायर्ड होगा अगेन वो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड हो जाएगा. क्लियर और नॉट क्लियर? यस. वही चीज यहां पे लिखी हुई है.
So when a person is disqualified by the order of court or any appellate tribunal and order is in force and he admitted the conviction, मतलब उसने admit कर लिया, कोई बात नहीं भाई क्योंकि order is in force था और उसने further appeal नहीं की, further appeal नहीं की, ध्यान से समझना, ये जो order आया था court का उसने further appeal नहीं की, तो कहने का मतलब वो disqualified होगा। दूसरा point क्या होता है, when a person is disqualified by the order of court or any appellate tribunal and order is in force and he has filed appeal to next high rank court. अब ये जो court का order आ गया उसके against इसने क्या किया, appeal file कर दिया and वो appeal जो है court में accepted हो गई, right? But appeal is not yet disposed of. मतलब ध्यान से समझने, यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, okay, ये company थी XYZ Limited, इसने appeal किया, okay, appellate tribunal, अपलेट ट्रिब्यूनल को, क्या कि मिस्टर एक्स हैज कमिटेड फ्रॉड, हेंस रिक्वेस्ट टू डिक्लेयर्ड हिम इनसॉल्वेंट, सॉरी डिक्लेयर्ड हिम व्हाट, डिस्क्वालिफाइड, आया बात समझ में, और अपलेट ट्रिब्यूनल ने क्या किया, इंक्वायरी की, ओके, और उसको लगा कि हाँ भाई इसने फ्रॉड किया है तो इसने ऑर्डर इश्यू कर दिया, ठीक है, ऑर्डर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ओके, और इस ऑर्डर की कॉपी जो है, कॉपी ऑफ ऑर्डर, ये किसके पास पहुंच गया, मिस्टर एक्स के पास, ओके, नाउ इस मिस्टर एक्स ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर दिया, किसको, हाई कोर्ट को, कि भाई साहब ये मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं, ये मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ, इसने अपील कर दिया। नाउ इसके अपील को, भाई मैंने बोला तीन चीजें हो सकती है, या तो पेंडिंग हो सकती है, या तो एक्सेप्ट हो सकती है, या तो रिजेक्ट हो सकती है। अगर रिजेक्ट हो गई, ध्यान से समझना, रिजेक्ट हो गई तो भाई जो ये डिस्क्वालिफिकेशन इस ऑर्डर के जरिए आ गया था, डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। पेंडिंग रखा हुआ है, ध्यान से समझना, पेंडिंग रखा हुआ है, क्या बोला मैंने, पेंडिंग रखा हुआ है, अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, अगेन डिस्क्वालिफाई होगा। इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया अपील, तीसरा केस है, अपील को एक्सेप्ट कर लिया, बट डिस्पोज यहां पे हुआ, डिस्पोज यहां पे हुआ और एक नया ऑर्डर आया, न्यू ऑर्डर आया, नो गिल्टी, मिस्टर एक्स हैज नो गिल्टी, आया बात समझ। तो यहां पे इसने जो अपील फाइल किया था, राइट, इसके बाद एक्सेप्ट किया, तो ये वाला पॉइंट नहीं, जब ये नया ऑर्डर आ जाएगा तो इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा साहब, क्वालिफाइड हो जाएगा, आया बात समझ में, यस। तो यहां से लेके यहां तक ध्यान से समझ लो, कहां से लेके कहां तक, ये जो ऑर्डर आया है पूरा, ये पूरा, ये जो एरिया है, ये जो पूरा टाइम है, ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, डिस्क्वालिफाइड रहेगा, क्लियर है या नहीं, क्लियर है, यस। जब तक नया एपेक्स कोड का या नए अथॉरिटी के, नए हायर रैंक के कोड का नया ऑर्डर उसके फेवर में नहीं आ जाता है, तब तक वो क्या रहेगा दोस्तों, डिस्क्वालिफाई रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये दोनों केस में वो डिस्क्वालिफाई है। When a person is disqualified the order, okay, order is enforced, okay, he has filed appeal to next high rank court, ठीक है, appeal is disposed of and case is in favor of person filed appeal, तो इस केस में अब उसके केस में उसके फेवर में ऑर्डर आ गया, जिस टाइम पे वो ऑर्डर आया है उस टाइम से वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वालिफाइड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। देन इसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट है, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है कि अगर उसने कॉल्स के पेमेंट नहीं किए, जब आप सपोज शेयर परचेस करते हो शेयर, राइट, तो और उसके लिए आपको कंपनी बहुत सारी फैसिलिटी देती है कि पहले आप एप्लीकेशन मनी पे करो, फिर अलॉटमेंट मनी पे करो, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे, इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर के अमाउंट जो है वो पे कर सकते हो कंपनी, ठीक है। बट इस केस में बोलते हैं साहब, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स,
जितने भी कॉल्स, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, ओके अलॉटमेंट मनी पे किया, बट कॉल मनी उसने पे नहीं किया, वेदर अलोन और ज्वाइंटली, मतलब सिंगल ओनर हो या ज्वाइंट ओनर हो, डजंट मैटर, विद अदर्स, एंड 6 months हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द डे लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल. जब इसको देखते समझते, एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया हुआ है. जीजी लिमिटेड कंपनी है, इशूड शेयर टू मिस्टर कार्तिक, ठीक है, तो कार्तिक इज अ शेयर होल्डर जिसको शेयर परचेस करना था. कार्तिक हैज पेड एप्लीकेशन ऑन 5th जुलाई 2018, ठीक है, 5th जुलाई 2018 को पे किया, एंड अलॉटमेंट मनी ऑन 5th अक्टूबर 2018. ओके, तो ये दोनों अमाउंट जो है उसने पे कर दी, बट देयर इज पेंडिंग ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल जिसका ड्यू डेट था 5th सितंबर 2018, एंड सेकंड कॉल ऑफ मनी जिसका ड्यू डेट था 5th दिसंबर 2018. बराबर है? यस. मतलब उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, बट कॉल मनी पेंडिंग था, पेमेंट पेंडिंग था, जिसकी ड्यू डेट थी 5th सितंबर एंड सेकंड वाले की ड्यू डेट थी 5th दिसंबर, ठीक है. डिटरमाइन वेदर मिस्टर कार्तिक इज डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन फॉलोइंग सिचुएशन. अज्यूम करो, मैं क्या अज्यूम करो, कार्तिक हैज पेड फर्स्ट कॉल ऑफ मनी, इसने पे कर दिया ऑन ड्यू डेट, क्योंकि यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कार्ड. तो ये लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल क्या हो गया दोस्तों, दैट इज ड्यू डेट, राइट. तो 6 months elapsed नहीं होने चाहिए फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल. आराम, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसको आप बोलो ड्यू डेट. तो 6 महीना ड्यू डेट के बाद elapsed होने चाहिए. तो जिस दिन ड्यू डेट था, अगर आपने उस दिन पेमेंट नहीं किया, तो 6 months तक, क्या बोल रहे हैं, 6 months तक, ये वाला पॉइंट, ठीक है. और ड्यू डेट यहां पे था कॉल पेमेंट का, तो कॉल पेमेंट का ड्यू डेट यहां पे था, तो 6 months elapsed नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, डिस्क्वालीफाई कहलाएगा. अरे बस समझो, देखो यहां पे कार्तिक हैज पेड फर्स्ट कॉल ऑफ मनी ऑन ड्यू डेट, इसने पे कर दिया दोस्तों, बोलो जरा बट, ड्यू डेट में पे कर दिया, बट फेल टू पे सेकंड कॉल, मतलब ओहो इसने एक कॉल पे किया, एक कॉल पे नहीं किया, बताओ जरा क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड. क्वालिफाइड रहेगा, क्यों क्वालिफाइड रहेगा, क्योंकि यहां पे लिखा है नॉट पेड एनी कॉल्स. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पहला इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे जो दिया, एनी कॉल्स दिया दोस्तों, मतलब दोनों कॉल्स का पेमेंट ये नहीं करना चाहिए. अगर उसने दोनों में से किसी एक कॉल का भी पेमेंट कर दिया विद इन द ड्यू डेट, जो कि कंपनी ने फिक्स किया हुआ है पेमेंट करने के लिए, ही विल रिमेन क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर. मतलब उसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पर पे कर दिया, और मिनिमम अगर वो एक कॉल पे कर देता है, तो यस, फिर उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, वो रिमेन क्वालिफाइड रहेगा फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर. पहला पॉइंट क्लियर, यस. अब सेकंड पॉइंट में आता है, नॉट पेड मनी फॉर एनी कॉल. लुक, इस बार ना ही उसने फर्स्ट कॉल पे किया, सेकंड कॉल भी नहीं पे किया, विद इन और ऑन ड्यू डेट. तो ना अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो अब इसने देखो एक भी कॉल का पेमेंट नहीं किया, एंड कम ऑन क्या बोल रहे हैं, 6 months have elapsed, मतलब यहाँ पे भी पेमेंट नहीं किया और 6 महीने elapsed हो गए, यहाँ पे भी पेमेंट नहीं किया. आगे बात समझ में, यस. तो अब ये क्या बोलता है दोस्तों, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट टू बी अ डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 6 months. क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट 6 months, मतलब आपने ये पेमेंट यहां पे नहीं किया, बराबर है, और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी था 6 months का इलैप्स्ड होना, बट 6 months अभी इलैप्स्ड नहीं हुआ, तो इस 6 months के लिए, क्या बोला मैंने, इस 6 months के लिए आप फिर भी क्वालिफाइड. समझ में आ रहा है? यस. मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कि अगर आप दो में से एक कॉल पे कर दो, बात खत्म, आप क्वालिफाइड हो, ठीक है. दूसरा बोलते, आपने बिल्कुल किसी भी कॉल का पेमेंट नहीं किया है, क्लियर, और 6 महीने elapsed नहीं हुए फ्रॉम द ड्यू डेट 6 महीने elapsed नहीं हुए, तो ये रिमेनिंग 6 months के लिए, ये जो 6 months है, यहां तक आप क्वालिफाइड हो, बट जैसे ये 6 months एक्सपायर्ड हो जाएगा दोस्तों, तो यहां से लेके यहां तक का जो सफर है, अब जो इसके आगे का सफर होगा, वो क्या होगा, डिस्क्वालिफाइड होगा. आया बात समझ में? यस. और ये कब तक डिस्क्वालिफाइड होगा, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हो. अब इस केस में अगर आप पेमेंट करोगे, यू हैव टू मेक पेमेंट कम ऑन. अब अगर यहां पे आप पेमेंट करते हो, बोलो जरा फटाफट से, तो अब यहां पे जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो सारे कॉल्स का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे कॉल्स जो है वो क्या हो गए, उसकी ड्यू डेट एक्सपायर्ड हो चुकी है. यू हैव टू मेक पेमेंट फॉर ऑल कॉल्स.
कॉल्स। तो जब तक आप सारे कॉल्स के पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक आप क्या रहोगे साहब, डिस्क्वालिफाइड रहोगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो तो इसके आगे अगेन आप क्या हो जाते हो, क्वालिफाइड हो जाते हो। क्लियर? यस। तो 164 सेक्शन इज नॉट सो सिंपल, राइट? इसमें बहुत इंटरप्रिटेशंस है, तो वो इंटरप्रिटेशंस अपने को समझना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक शब्द और दिया दोस्तों, अलोन और जॉइंट। तो अब मान लो इस शेयर के दो ओनर थे, हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब ये भी डायरेक्टर बनना चाहता है, ये भी डायरेक्टर बनना चाहता है, राइट? शेयर इसने परचेज किया था, पेमेंट इसको करना था। तो ये बिग ब्रदर था से, सपोज मान लो ये स्मॉल ब्रदर था, तो जो बिग ब्रदर था वो दोनों भाइयों के नाम पे शेयर लिया हुआ था, राइट? तो अब इस केस में क्या हो रहा है, बिग ब्रदर ने पेमेंट नहीं किया, कोई भी कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया और 6 महीने भी एक्सपायर हो गए। बताओ जरा फट से, ये जो स्मॉल वाला ब्रदर है उसका, राइट, ये सपोज एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो डायरेक्ट ये तो डिस्क्वालिफाइड है, ये तो डिस्क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट क्या ये भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? यस, क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अलोन और जॉइंटली। अब चाहे आप दोनों लोग मिलकर पेमेंट करें, उसमें से कोई एक ने पेमेंट नहीं किया, डिस्क्वालिफाइड साहब दोनों हो गए। तो जिस शेयर में आपका नाम लिखा हुआ है और उसके कॉल अमाउंट जो है वो आपने कोई भी कॉल अमाउंट पेमेंट नहीं किया है, तो जितने भी ज्वाइंट ओनर होंगे वो कोई भी डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। बट कब तक के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते दोस्तों? फॉर नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ लास्ट पेमेंट ऑफ कॉल्स फिक्स्ड बाय द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर? पक्की बात, 100% श्योर हूं? यस। तो ये कॉल का क्या हो गया दोस्तों, ड्यू डेट हो गया, ठीक है, ये 6 मंथ्स हो गया, राइट? देन इसके बाद ये एक्चुअल पेमेंट भी डेट हो गई। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्लियर? तो कॉल ड्यू डेट 6 मंथ्स, आप रिमेन क्वालिफाइड हो, यस, ये पीरियड आपका डिस्क्वालिफाइड होगा जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते, उसके बाद का पीरियड जो है वो अगेन आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा, नाउ यू कैन देयर आफ्टर अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन एनी ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर? यस। देन इसके बाद जी पॉइंट सिंपल है कि अगर आप किसी भी पार्टी के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, करते हो, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, जहां पे आपके द्वारा कंपनी को रॉन्गफुल लॉसेस होते हैं, तो उस केस में जो है, राइट, आप अगर पकड़े जाते हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया अंडर सेक्शन 188 और वो डायरेक्टर पकड़ा गया करते हुए, राइट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 इयर्स, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर है? यस। लास्ट प्रीसीडिंग 5 इयर्स मतलब आप इस ईयर में आप पकड़े गए हो, राइट, इस ईयर में आप पकड़े गए हो और आपने कांड यहां से कहीं पे भी किया था, लास्ट प्रीसीडिंग 5 इयर्स में अगर कांड किया था तो आप यहां से क्या हो जाओगे दोस्तों, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो कब डिस्क्वालिफाइड हो गए, जब आप कन्विक्टेड हो गए, जिस टाइम पे आप कन्विक्टेड हो गए और प्रीसीडिंग 5 इयर्स में आपने कांड किया हुआ है, कांड आपने कहां पे किया हुआ है, प्रीसीडिंग 5 इयर्स में, राइट, पिछले 5 सालों में, और आप इस साल में पकड़े जा रहे हो, तो जिस साल आप पकड़े जाओगे उसके बाद से आप दोस्तों क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो वहां पे वो जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर है? यस। पक्का? यस, बहुत बढ़िया। और इस केस में अगर वो अपील भी फाइल करता है दोस्तों, राइट, अब आपने उसको निकाल दिया तो हो सकता है वो अपील फाइल करे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर वो अपील फाइल करता भी है तो भी वो क्या रहेगा, डिस्क्वालिफाइड रहेगा। डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड इवन इफ एनी अपील ऑफ पिटीशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एच पॉइंट आता है दोस्तों, ही हैज नॉट क्वालिफाइड विद सेक्शन 152 सब सेक्शन 3, मतलब डिम की बात कर रहा है, अगर उसने डिम अलॉट नहीं करवाया उसको या डिम उसको ऑप्टेन नहीं हुआ तो भी वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। ही हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165(1), मतलब ये बात कर रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मतलब अभी के लिए जस्ट इतना समझ लो, मैक्सिमम 20 कंपनीज में वो डायरेक्टरशिप हो सकता है, अगर वो मैक्सिमम 20 कंपनीज से ज्यादा या 21 में उसने डायरेक्टरशिप की तो उस केस में जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 165 का 1 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा एंड हेंसफोर्थ ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। तो अब वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर वो 21 कंपनीज में डायरेक्टर है तो ही हैज नॉट कंप्लाइड, ध्यान से समझना, ही हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 165(1), तो वो फिर अ डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इतने सारे पॉइंट जो है 164 सब सेक्शन 1 से रिलेटेड कवर कर लिए हैं। तो पहला पॉइंट इसने क्या बोला सिंपल लैंग्वेज में, इसने बोला अनसाउंड माइंड है। तो नंबर टू अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब डिक्लेयर्ड है बट अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो जब तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है उसे डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा अगेन वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तीसरा आता है ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इनसॉल्वेंट, उसने अप्लाई किया कि भाई साहब वो इनसॉल्वेंट है बट उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी राइट, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी तो क्वालिफाइड हो जाएगा, बट अगर वो एक्सेप्ट हो गई राइट तो भी वो क्या रहेगा डिस्क्वालीफाइड रहेगा। क्लियर है? यस। डी पॉइंट बोलता है ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ इन ऑफेंस राइट, तो इस केस में अगर कोर्ट ऑफेंस किया उसने राइट इंटेंशनली अनइंटेंशनली और कोर्ट ने उसे पकड़ लिया है ठीक है रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए दी गई है, तो वो जो डायरेक्ट जो डिस्क्वालीफाई होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, बट फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। आई होप आई एम क्लियर। यस, वहां पे डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस अपने को निकालना पड़ेगा। और अगर वो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता है, पकड़ा जाता है, कांड करता है, पकड़ा जाता है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 7 साल का है, तो फिर वो जिंदगी में अपने कभी भी किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। क्लियर? ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। देन इसके बाद अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये डिस्क्वालीफाई है, तो जब तक वो ऑर्डर में लिखा है ऑर्डर फोर्स में तब तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, जैसे ही वो ऑर्डर फोर्स से हटेगा वो अगेन क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी कॉल का पेमेंट नहीं किया है, कॉल का पेमेंट नहीं, किसी भी कॉल का एनी कॉल राइट पेमेंट नहीं किया एंड 6 महीने एलैप्स्ड हो गए है राइट, तो फिर वो जो 6 महीने इलैप्स हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 6 महीने इलैप्स नहीं हुए तो ही विल रिमेन व्हाट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ व्हाट ड्यू डेट। क्लियर? यस। देन ही हैज बीन कन्विक्टेड of the offences dealing with related, अगर वो related party transaction करता है और वो पकड़ा जाता है, पिछले 5 सालों में उसने कभी भी अगर कोई भी related party transaction किया हो और अगर वो पकड़ा जाता है, तो जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उसके next onwards जो भी है वो disqualify रहेगा। Clear or not clear? Yes. Okay. Then इसके बाद last point आता है दोस्तों, he is not qualified. Yes, अगर उसके पास DIN नहीं है तो disqualify रहेगा। And last point बोलता है, he has not qualified. अगर 165(1) मतलब number of directorship को, maximum number of directorship को वो follow नहीं करता है, non-comply करता है, तो भी वो disqualify हो जाएगा। क्या मैं यहाँ तक clear हूँ या नहीं clear हूँ दोस्तों? Yes, clear. तो 165 जब 1 हम detail में discuss करेंगे, तो उसका सारा का सारा analysis जो है वो हम cover करेंगे। यहाँ पे multiple combination निकलेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज में वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, कुछ उसके एक्सेप्शंस होंगे, तो मैं जस्ट बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर 165(1) नॉन कंप्लाई है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, तो सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।